स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोनिंग होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्टली डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लोनिंग। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं उसे क्लोनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मेरा एक रजिस्टर है। ठीक है, ये मेरा अपना रजिस्टर है किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉपी है मेरी, और मैं इसकी कॉपी फोटो कॉपी करा लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक फ़ोटो कॉपी बना ली इसकी। तो फोटो कॉपी क्या होगी, एग्जैक्टली डुप्लीकेट होगी मेरी ओरिजिनल कॉपी से। ठीक है, इसमें वही सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इसका क्लोन वर्जन है ना, इसमें क्लोन वर्जन है। अच्छा, मेरा मेन पर्पज़ क्या हुआ है इसको ऐसा बनाने का, ताकि मेरी जो ओरिजिनल कॉपी है वो मेरी एज अ बैकअप कॉपी रहे। मैं जितनी भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ ना, चाहे मुझे यहाँ पे मार्किंग करनी हो या मुझे कुछ भी रफ कॉपी रफ काम करना हो, तो मैं सारे ऑपरेशन अपने क्लोन्ड वाले वर्जन पे करूँ और मेरा बैकअप जो है प्रिजर्व रहे। ठीक है, तो हमने देखा कि मेन पर्पज़ क्या होता है क्लोनिंग का, मेंटेन करना बैकअप ऑफ अ कॉपी। ठीक, अच्छा, ये जो क्लोन है, ठीक है, अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन क्लोनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे क्लोन मेथड कहाँ मिलता है, मुझे ऑब्जेक्ट क्लास में क्लोन मेथड मिलता है। उसका सिग्नेचर देख लेते हैं। तो देखते हैं सिग्नेचर में क्या है, वो प्रोटेक्टेड होता है, नेटिव मीन्स नॉन जावा है, उसका रिटर्न टाइप कैसा है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, और क्लोन मेथड है। ठीक है, जब भी हम कभी भी हम क्लोन मेथड को कॉल करेंगे, जब भी हम क्लोन मेथड कॉल करेंगे तो हमेशा हमको एक एक्सेप्शन हैंडल करने को देगा, एक एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। तो हम थ्रोज कीवर्ड्स की थ्रू मदद से हम उसको क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, और वो एक्सेप्शन क्या होगा, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, तो कैसे क्लोन करते हैं फटाफट से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक क्लास है, क्लास का नाम है टेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और भी है, क्लास का नाम है टेस्ट, और हमें इसको एक इंटरफेस होता है, क्लोनेबल इंटरफेस, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो इंटरफेस को जब भी हम इनहेरिट करते हैं तो हम इम्प्लीमेंट्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्लोनेबल इंटरफेस को हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। और इस टेस्ट क्लास में दो हमने प्रिमिटिव वैल्यूज दिए हैं, इंट आई और इंट जे। इंट आई की वैल्यू 10 दी है और इंट जे की वैल्यू हमने 20 दी है। फिर हमने मेन मेथड में क्या किया, हमने टेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना होगा, और ये टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट इसे T1 एक रेफर कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल है, और उसमें हमारे पास एक आई की वैल्यू 10 है और जे की वैल्यू हमारे पास 20 है। अब मेरे को ये टेस्ट ही जो है, टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट का ही क्लोन करना है, तो मैंने क्या किया, टेस्ट T2 नाम से मैंने इसको क्लोन कर दिया। तो मैंने इसकी एग्जैक्टली कॉपी बनानी होगी, तो मैं लिखूंगा टेस्ट और T2 जो इसको रेफर कर रहा होगा, और मैंने T1 को डॉट क्लोन, तो T1 को मैंने क्लोन कर दिया। तो मैंने कहा आई इक्वल्स टू 10 आ गया होगा यहाँ पे, जे इक्वल्स टू 20। अभी मैंने क्या किया, क्लोन किया है, अभी मैं इसकी वैल्यूज चेंज करना है वो बाद में करेंगे, अभी मैंने इसकी एग्जैक्टली कॉपी बना दी है। ठीक है, लेकिन जो ये क्लोन मेथड है ये तो हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है ऑब्जेक्ट क्लास में। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्योंकि एक सुपर क्लास होती है हर एक ऑब्जेक्ट की, तो टेस्ट की भी एक सुपर क्लास होगी, क्या ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन हमें बनाना है टेस्ट में, तो हम ये होगा ऑब्जेक्ट क्लास का, तो हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में टेस्ट से टाइप कास्ट करके से टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना के T1 में क्लोन कर दिया। ठीक है, समझ में आया टाइप कास्ट कैसे बनाया हमने, तो हमने यहाँ पे इसको क्लोन कर दिया टाइप कास्ट करके। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि ये T2 में है तो मैं T2 से सीधा अंदर जाऊंगा और अंदर i की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या T2.i और मैंने ट्रिपल 8 कर दिया, तो मैं अब क्या करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज करके मैं कर दूंगा 888। फिर मैं क्या T2j पे गया मैं, और j में मैंने 999 कर दिया, तो मैं अब इस वैल्यू को भी चेंज करके क्या कर दूंगा, 999 कर दूंगा। लेकिन इससे मेरी ओरिजिनल वाली कॉपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अपने क्लोन वर्जन में उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। तो जब मैं प्रिंट करूंगा इसकी वैल्यू तो 10 ही आएगी, और जब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 888 ही आएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा हमने क्लोन का ओवरव्यू लिया कि क्लोन मेथड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ थ्योरीज की। तो वी कैन परफॉर्म क्लोनिंग ओनली फॉर क्लोनेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम क्लोन सिर्फ उसी पे परफॉर्म कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्लोनेबल होंगे। अब ये ऑब्जेक्ट क्लोनेबल कैसे पता चलेंगे क्लोनेबल होंगे, तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी क्लोनेबल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंप्लीमेंट्स
क्लोनेबल इंटरफेस। वो क्लोनेबल ऑब्जेक्ट तभी कहलाएगा जब वो इम्प्लीमेंट करेगा क्लोनेबल इंटरफेस को। तो जो भी क्लास जो है इम्प्लीमेंट कर रही होगी किसको, क्लोनेबल इंटरफेस को, वही कहलाएगी क्या, क्लोनेबल ऑब्जेक्ट। वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, क्लोनेबल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्लोनेबल इंटरफेस रिप्रेजेंट्स, क्लोनेबल इंटरफेस प्रेजेंट्स। अब ये क्लोनेबल इंटरफेस कहाँ मिलता है हमें, तो ये मिलता है हमें जावा लैंग पैकेज में, एंड इट डजेंट कंटेन एनी मेथड्स। तो ये जो क्लोनेबल इंटरफेस है इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है, ये पूरा खाली है, यानी इसे हम बोलेंगे एम्प्टी है, ये पूरा खाली है, ये ना तो इसके अंदर कोई मेथड है ना इसके अंदर कोई कॉन्स्टेंट्स है। और जिस इंटरफेस के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ना उसमें मेथड होता है ना ही उसे कॉन्स्टेंट्स होता है, उसे हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। तो मार्कर इंटरफेस, या उसे बोलते हैं हम टैगिंग इंटरफेस। या तो हम उसे मार्कर इंटरफेस के नाम से जानते हैं या हम उसे टैगिंग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर ये खाली है तो इसकी ज़रूरत क्या है, तो देखो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यहाँ पे जेवीएम की है। जेवीएम को जब भी लगेगा कि यहाँ पे किसी एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो जेवीएम ऑटोमेटिकली वो उसको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और जिनके अंदर कुछ नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, मार्कर इंटरफेस बोलते हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म क्लोनिंग फॉर नॉन क्लोनेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि जिन क्लास को हमने क्या इम्प्लीमेंट नहीं किया है क्लोनेबल इंटरफेस से, वो जाएंगे नॉन क्लोनेबल ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट अगर हम क्लोन करेंगे तो रन टाइम हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो देखो अब क्लोन करने के भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। एक होता है हमारे पास शैलो क्लोनिंग और दूसरा होता है हमारा डीप क्लोनिंग, ठीक है। तो हम दो तरीके से क्लोनिंग कर सकते हैं, एक तरीका है शैलो क्लोनिंग करने का और दूसरा है पर डीप क्लोनिंग करने का। तो सबसे पहले देखते हैं शैलो क्लोनिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बिट वाइज कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, बिट वाइज कॉपी करते हैं, ठीक है। इफ द मेन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये मेन ऑब्जेक्ट है इसमें अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसमें अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल्स है, देन एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपीज विल बी क्रिएटेड इन द क्लोन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी एग्जैक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप भी क्या करेगा, क्लोन हो जाएगा। इफ द मेन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एनी रेफरेंस वेरिएबल, और अगर हमें यहाँ पे कोई रेफरेंस वेरिएबल मिलता है, ठीक है, कोई रेफरेंस वेरिएबल मिलता है, देन करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट वॉन्ट बी क्रिएटेड। तो ये रेफरेंस वेरिएबल मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट का क्लोन तो नहीं होनेगा, उसका ऑब्जेक्ट का क्लोन तो नहीं होगा, जस्ट अ डुप्लीकेट रेफरेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। हमें क्या मिलेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल मिल जाएगा, वो भी इसका डुप्लीकेट, जस्ट अ डुप्लीकेट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट जिसको ये रेफर कर रहा था वो नहीं मिलेगा। पॉइंटेड टू कंटेंट ऑब्जेक्ट, और वो जो रेफर जो करेगा डुप्लीकेट वो भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास मीन फॉर शैलो क्लोनिंग। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे में हम शैलो क्लोनिंग करते हैं। अब इसके एक एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। तो हम बनाते हैं क्लोन मेथड में एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसका नाम शैलो क्लोनिंग, ठीक, डॉट जावा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पे क्लास और हमने बनाया, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैट नाम से, ठीक है। हमने कैट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया और मैं इसमें एक प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ कर लेता हूँ इंट। तो मैंने इंट जे, और मैं इसकी वैल्यू क्या है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे इंट और इंट जे, और मैं यहाँ लिख दूंगा क्या कि दिस डॉट जे की वैल्यू जे में आ जाए, सिंपल, ठीक है। ये तो ये हो गया, ठीक है। इसमें मैं दोनों पॉइंट्स लिख लेता हूँ, एक रेफरेंस वेरिएबल का भी ले लेते हैं हम और एक प्रिमिटिव वेरिएबल का भी ले लेते हैं, है ना। तो ये रेफरेंस वेरिएबल भी हो जाएगा, प्रिमिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो फिर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो इसको रेफर कर रहा हूँ। तो हमने कहा चलो एक बना देते हैं ऑब्जेक्ट डॉग नाम से, ठीक है। इसमें हम एक रेफरेंस वेरिएबल देते हैं सी, और इसमें भी देते हैं हम इंट नाम से आई दे देते हैं, ठीक है। और दोनों की वेरिएबल हम लेते हैं किससे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो मैंने कहा डॉग, और इसमें भी हम लिख देंगे
कैट सी की वैल्यू सी से ले लेंगे और इंट आई की वैल्यू आई से ले लेंगे, ठीक। तो मैंने कहा दिस डॉट सी इक्वल्स टू सी और दिस डॉट आई इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो हम आई की वैल्यू आई से ले लेंगे और सी की वैल्यू सी से ले लेंगे, ठीक। सिंपल सा फिर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ। तो मैंने कहा मेन मेथड के लिए नाम लिख लेता हूँ शैलो क्लोनिंग लिख लेते हैं, है ना। तो शैलो क्लोनिंग, शैलो क्लोनिंग और यहाँ पे मेन मेथड लिख लेते हैं फटाफट से। तो क्या होता है पब्लिक सिग्नेचर, क्या होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स एरे, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करता हूँ, इसी को डॉग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं क्लोन कर लेते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को मुझे क्लोन करना होता है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा डॉग डी नाम से बनाया मैंने, डी इक्वल्स टू न्यू ऑफ डॉग। तो मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया और इसमें जो वैल्यू लूँगा मैं, एक तो मुझे कैट सी की लेनी है वैल्यू, सी में क्या वैल्यू डालूँ, और एक मुझे आई की वैल्यू लेनी है, आई में क्या वैल्यू डालूँ। तो अगर मुझे सी में बनाना है तो मैं काम करता हूँ सी का पूरा रेफरेंस कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। तो सी का पहले बनाना पड़ेगा, तो सी इक्वल्स टू कैट सी इक्वल सी न्यू ऑफ कैट और इस जे में हम क्या वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ आएगी और ये इसमें जे में स्टोर हो जाएगी और जे की हमारी इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ डाल दूँ लेट सपोज चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है। और मैं इसका पूरा पूरा रेफरेंस जो इसको रेफर कर रही है सी, जो रेफर कर रहा है इस पूरे इसको इस ऑब्जेक्ट को, तो मैं इसको यहाँ पर स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। और सी में मैंने ये स्टोर करा दिया है ना, ये वाला पूरा स्टोर करा दिया सी में। अब आई में मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ कर लेता 20, ठीक है। मैंने 20 कर दिया क्योंकि मुझे डॉग का ही क्लोन करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉग डी वन में मैं क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं लिखता हूँ डी का क्लोन मेथड। अब हमें पता है कि क्लोन मेथड जो है वो किसका होता है, चलो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम गए कंपाइल में, कंपाइलेशन में सी एम डी में गए और मैंने यहाँ पे क्लोन करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा क्या जावा सी, तो जावा कंपाइलर हो गया शैलो क्लोनिंग डॉट जावा। तो मैंने कंपाइल किया और मुझको यहाँ पे एरर देखने को मिला और एरर सबसे पहले मुझे 19 में देखने को मिला। 19 में एरर क्या है कि क्लोन मेथड जो है प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एक्सेस है ऑब्जेक्ट क्लास में। दूसरा मेरे को मिला इनकम्पैटिबल टाइप, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डॉग, ऑब्जेक्ट डॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो चलो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं फटाफट से, है ना। तो मुझे यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड है। मैं इसको डॉग नाम का बनाना है तो डॉग से मैं इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ, ये वाला मेथड तुम्हारा क्लियर हो गया। दूसरा ये प्रोटेक्टेड है और मुझे डॉग से डॉग को क्लोन करना है, तो मैं यहाँ पे इसका एक्सेस पब्लिक कर देता हूँ ताकि ये आराम से इसको कर पाए। और इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप होता है, क्लोन मेथड होता है। और मैं यहाँ पर किसको क्लोन करना है, मुझे यहाँ पे क्लोन करना है अपना कॉल करना है जो ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड है। तो मुझे वो क्लोन करने के लिए क्या सुपर से करना पड़ेगा, सुपर क्लोन मेथड। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड कॉल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ शैलो क्लोनिंग हो रही है यहाँ पर। और इसका क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है तो मुझे रिटर्न में तो यही चाहिए, तो रिटर्न कर देंगे इसको यहीं पर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने किया फिर से इसे कंपाइल और मेरे कंपाइलेशन में अब एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या है, एरर है 15 में, पहले 19 में था 15 में है। और एरर क्या है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन का एरर है और ये कॉट होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए थ्रोन, ठीक है। तो कहाँ पे 15 में, तो मैंने कहा 15 में, तो ये एरर जब आया तो इसको एरर को मुझे रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, थ्रोस कीवर्ड से THOR WS थ्रोस, THOR WS थ्रोस कीवर्ड से, और इस थ्रोस कीवर्ड से करूँगा मैं क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन के थ्रू। तो मैंने ये किया, मैं फिर से गया, फिर मैंने इसको कंपाइल किया और अब मुझे एक और एरर देखने को मिला है, लेकिन ये एरर अब 15 में ना रह के 22 में, क्योंकि मैंने क्लोन मेथड कॉल किया है मेन मेथड में, तो मुझे वहाँ पे भी क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी कर दूंगा, तो थ्रोस क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर से कंपाइल किया और कंपाइल एकदम क्लियर हो गया। मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ, तो जावा शैलो क्लोनिंग रन किया मैंने और मुझे
मेन में एक एरर देखने को मिला है, एरर यानी कि एक्सेप्शन देखने को मिला है। एक्सेप्शन कौन सा है? क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। हमने देखा था कि हम उसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हैं जो क्लोनेबल ऑब्जेक्ट हो, और क्लोनेबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसको इंप्लीमेंट करे, क्लोनेबल मार्कअप इंटरफेस को। तो मैं लिखूंगा क्लोनेबल, और मैंने यहाँ पे क्लोनेबल मार्कअप इंटरफेस को जैसे ही मैंने क्लोन किया, मैं अब फटाफट से इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, और फिर मैं करता हूँ जावा से इसको रन करता हूँ, तो जावा शैलो क्लोनिंग, और मैं देखा यहाँ पे परफेक्टली रन हो रहा है, कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब जब हमने क्लोन कर ही लिया है तो हम फटाफट से इनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर देते हैं और उनको प्रिंट करते हैं। तो हमें देखो सी और डी की वैल्यू पता है, हमें पता है कि जे की वैल्यू क्या है, तो जे की वैल्यू है हमारी 10, और आई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू है हमारे पास 20, और सी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10 हो गई, है ना। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ। डी वन हमने क्लोन किया, तो क्लोन हमारा डी वन है। मैं गया डी वन, और डी वन से मैं गया किस पे, आई पे, ठीक है, आई पे गया, और मैंने आई की वैल्यू को कर दिया 20 थी ना हमारा आई की वैल्यू, मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, ठीक, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और मैं प्रिंट करता हूँ आई की वैल्यू, ठीक है। तो डी वन डॉट आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये है क्लोन्ड वर्जन, ठीक है, प्रिंट कर दिया। अच्छा ये तो हो गया क्लोन्ड वर्जन, मैं एक ओरिजिनल वर्जन में देख लेता हूँ, है ना। मैंने कहा यह है ओरिजिनल, ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल वर्जन सिर्फ टी का है, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, चलो पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैं गया, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल एकदम फाइन हो रहा है, और मैंने इसको रन किया, और रन देखा मैंने क्लोन वर्जन जो मैंने क्लोन किया 200 वो भी आ रहा है, और जो ओरिजिनल था 20 वो भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा कि हम प्रिमिटिव वेरिएबल्स को तो बिट वाइज कॉपी कर ले रहे हैं। अब यहाँ दूसरी लाइन क्या थी कि इफ़ मेन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एनी रेफरेंस वेरिएबल, अगर हमारे मेन ऑब्जेक्ट में कोई भी रेफरेंस वेरिएबल है तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट यानी कि जो उसका ऑब्जेक्ट है जिसको वो रेफर कर रहा है वॉन्ट बी क्रिएटेड, तो वो तो नहीं बनेगा, यानी कि कैट नाम का ऑब्जेक्ट तो दोबारा नहीं बनेगा यहाँ पर, क्लोन नहीं होगा, क्लोन नहीं होगा, एक जस्ट अ डुप्लीकेट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इसका रेफरेंस वेरिएबल था वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और वो भी पॉइंट आउट कर रहा होगा उसी कैट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने क्लोन वर्जन से, अपने क्लोन वर्जन से यानी इस सी की, सी से जे की वैल्यू चेंज करूँगा, तो जो मेरा ओरिजिनल वाला है ना, ओरिजिनल सी में या डी में, इसमें भी वो वैल्यू चेंज जाएगी, ठीक है, ये सिंपल सा मतलब था। तो एक काम करते हैं, चेंज करते हैं, तो मैं करता हूँ डी वन डॉट, तो मैं डी वन से ही कर लेता हूँ, तो मैं डी वन से गया सी में, और सी से गया मैं जे में, तो डी वन से मैं गया यहाँ पे सी में, और सी से मैं गया जे में, ठीक है, और मैंने जे की वैल्यू कर दिया 1000, 1000 कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू को डी वन से मैं गया किस में, सी में, और सी से मैं गया किस में, जे में, और जे में मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो अगर शैलो क्लोनिंग में ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मेरे ओरिजिनल वाले जो डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो जो रेफर कर रहा था जिस भी ऑब्जेक्ट को, उसकी क्लास में भी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, ठीक है, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ फटाफट से क्या कि डी वन डॉट सी डॉट जे की वैल्यू चेक कर रहे हैं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कौन सा है, ये है क्लोन्ड, क्लोन्ड वर्जन, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये है ओरिजिनल वर्जन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसका, या तो मैं सी का सी डॉट जे कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं सी डॉट जे कर सकता हूँ, तो मैं सी डॉट जे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट आउट लेके देखते हैं भाई। तो मैंने दोबारा से इसे कंपाइल किया, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं, और मैंने सीधा रन किया। तो देखो
सबसे पहले हमने ये दोनों तो वैल्यूज देख ली थी, है ना। अब देखो क्लोन वर्जन में भी मैंने चेंज किया, तो ओरिजिनल वर्जन में भी हमें चेंज चेंज दिखा है, ठीक है। तो ये होती है आपकी शैलो क्लोनिंग। ये सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप को तो क्लोन करती करती है, अगर उसमें कोई रेफरेंस वेरिएबल है मेन मेन पार्ट में, तो वो उसको क्या करेगी, उस रेफरेंस वेरिएबल का कॉपी बना लेगी, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बनेगी जो पॉइंट आउट कर रहा होगा ओरिजिनल वाले को, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं डीप क्लोनिंग में। तो डीप क्लोनिंग में वेयर वी कैन क्लोन रेफरेंस वेरिएबल एज वेल। अब यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस वेरिएबल, वहाँ पे हमारा क्या रेफरेंस वेरिएबल छूट गया था, अगर मुझे रेफरेंस वेरिएबल को भी क्लोन करना है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट को भी क्लोन करना है, तब हमें ओवरराइड तो करना ही पड़ेगा क्लोन मेथड को, उसको बोलते हैं डीप क्लोनिंग, ठीक है। इसी को देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने जो क्लोन किया था उससे जब मैंने जे की वैल्यू को चेंज किया, तो हमारे ओरिजिनल वाली वैल्यू भी चेंज हो गई, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल वाली तो हमारी रिटेन रहे, वो एज इट इज़ रहे, वो बैकअप कॉपी में रहे, और हमारी जो नई जो हमने क्लोन वर्जन किया है उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज हो, ठीक है। अभी मैंने इसके हमने इसके आंसर हमें पता ही है ना, 220,000, ठीक है ना। तो ओरिजिनल वाला भी चेंज हो गया और हमारा क्लोन वर्जन भी चेंज हो गया। इसको चेंज करने के लिए मैं अब इसमें डीप क्लोनिंग की जगह मैं इसमें शैलो क्लोनिंग की जगह मैं इसे अब डीप क्लोनिंग कर देता हूँ। डीप क्लोनिंग में क्या है, जो हमने ये ऑब्जेक्ट मेथड, जो हमने ये ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड है, इसको हमने क्या किया था, इसको हमने ओवरराइड किया था, और ओवरराइड करके हमने रिटर्न किया था सुपर का क्लोन मेथड, यानी कि हमने सिंपल सा जो ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड है हमने उसी को कॉल किया था और कुछ नहीं किया था। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो देखो कुछ नहीं, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे क्या कैट का ऑब्जेक्ट भी हमें क्लोन करना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैट, कैट कैट का सी बनाएंगे और सी में न्यू कैट, और कैट में है क्या हमारे पास, तो हमारे पास सी कैट में हमारे पास क्या है, जे है, तो जे को हमें डॉग से कैसे करेंगे, तो डॉग से हम करेंगे क्या, सी में जाएंगे, ठीक है, सी में जाएंगे और सी से हम जाएंगे जे में, क्योंकि मैं हमें क्या करना है, हमें ये क्लोन करना है ना पूरा ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे सी से जे में चले जाएंगे, ख़त्म। इसके बाद मैं डॉग को बनाऊंगा, तो डॉग डी इक्वल्स टू न्यू ऑफ डॉग। ये ध्यान रखना है जो मैं सी और डी ले रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, सी वन ले लेता हूँ और इसको मैं डी वन ले लेता हूँ। ये जो है ये एक लोकल वेरिएबल्स है, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल्स है। ये मैंने सी वन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल क्रैक करता फिर, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगी। तो मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स सी वन और डी वन ले लिए। अब डॉग का पैरामीटर क्या था हमारा, इसमें से सी हमने पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कराया था, तो इसमें है सी वन, तो हम यहाँ पे भी पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करा देंगे सी वन डॉट, और अपना ही इसका आई भी स्टोर कराना है, तो आई के लिए सिंपल आई, ख़त्म। अब हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करना है, मुझे डी वन करना है, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने क्लोन करके इसमें डाल दिया, ये रिटर्न कर दूंगा मैं, और ये जो डी वन है यानी कि ये पूरी वैल्यू मेरी कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, तो ये जाएगी, तो ये पूरा क्लोन हो चुका है, सिंपल। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास पुराने आंसर भी हैं और नए वाले आंसर भी हैं। अच्छा, नए वाले में एक चीज़ है कि मैंने फाइल का नाम चेंज करके डीप क्लोनिंग कर दिया है, ठीक है। तो देखो क्लोन वर्जन पहले हमारा 200 था, ओरिजिनल का 20, वो तो हमारा कहीं चेंज नहीं हुआ है, सही है। इसके बाद हमारा क्लोन वर्जन हमने 1000 किया था, और ओरिजिनल हमारा वहाँ पे चेंज होता है शैलो क्लोनिंग में, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन हमें ओरिजिनल वाले में दिखता है, लेकिन यहाँ पे डीप क्लोनिंग में हमारा ओरिजिनल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा। इसका मतलब मैं क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, हुआ क्या डीप क्लोनिंग में, हमने बनाया एक कैट नाम का ऑब्जेक्ट, हमने बनाया एक डॉग नाम का ऑब्जेक्ट, और हमने क्या किया, डॉग नाम में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे सी और डी लिया था, ठीक है, तो कैट को हमने सी लिया और डॉग को हमने डी लिया। इसमें भी हमने एक कैट नाम का सी दिया, जिसमें इसको रेफरेंस ऑफ जो जिसका रेफर ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ कर रहा था, इसमें हमने एक वैल्यू दे रखी थी इंट नाम की, और इसका नाम था जे से जिसकी हमने एक वैल्यू ली हुई थी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। यहाँ पे भी हमने इंट आई नाम ले रखा था, ठीक है, इंट आई ले रखा था। अब मैंने इसको क्लोन किया,
तो जब मैंने इसको क्लोन किया तो ये कैसे हुआ होगा, ये मैं कहता हूँ यहाँ वाला क्लोन है, तो मैंने यहाँ पे क्लोन कर दिया, ये है डॉग डी वन के नाम से। तो मैंने कहा कैट सी इंट आई। अभी क्या है, ये दोनों तो क्लोन हो गए, यानी कि ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट तो क्लोन हो गया। यहाँ पर शैलो क्लोनिंग में क्या हो रहा था कि ये वाला इसका जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये इसका क्लोन नहीं हो रहा था, ये इसी को रेफर कर रहा था। लेकिन डीप क्लोनिंग में क्या हुआ, इसका भी क्लोन हो कर दिया हमने इंट जे के नाम से, ठीक है। अब ये इसको रेफर करेगा, ठीक है, सी वन के नाम से, हमने यहाँ पे सी वन लिया हुआ है, ठीक है, ये इसको रेफर करेगा। तो हम जो भी वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे उसका रिफ्लेक्ट हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, यानी यहाँ जो वैल्यू वो ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, और यहाँ जो है वो क्लोन वर्जन वाला वैल्यू रहेगी जो हमने क्लोन करके डाला है, ठीक है। तो ये था आपका क्लोनिंग पूरा कॉन्सेप्ट।